नमस्कार, मैं हूँ शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खुद को निषाद पुत्र कहने वाले विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने बिहार की जनता के समक्ष एक बड़ी शर्त लगाई है। इतना ही नहीं, इस शर्त को जीतने वाले शख्स के लिए 50 लाख का इनाम भी तय किया है। दरअसल बिहार में अभी मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बाद मुजफ्फरपुर के विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसकी तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से कर रही हैं। भाजपा, जदयू, राजद, AIMIM के साथ साथ VIP भी इस सीट के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। बताते चलिए कि कुंडनी में होने वाले उपचुनाव की तारीख बेहद ही नज़दीक आ चुकी है, जिसके लिए मतदान आगामी 5 दिसंबर को होना है। इस सीट पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के कुल 13 प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं। हालांकि जीत तो किसी एक ही की होनी है, लेकिन सभी ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। मुकेश सहनी भी अपने प्रत्याशी नीलाम कुमार के लिए कुंडनी में खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस बीच VIP प्रमुख का कहना है कि कुंडनी विधानसभा सीट के लिए किसी भी पार्टी का माहौल VIP जैसा नहीं है। मुकेश सहनी इसके लिए लगातार रोड शो कर रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं का हुजूम भी उमड़ रहा है। युवा उनके कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बताते चले कि कुंडनी में होने वाले उपचुनाव की तारीख बेहद ही नज़दीक आ चुकी है, जिसके लिए मतदान आगामी 5 दिसंबर को होना है। इस सीट पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के कुल 13 प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं। मुकेश सहनी ने आगे कहा कि हमारा गठबंधन बिहार की जनता से है। VIP के प्रत्याशी पढ़े लिखे एक युवा हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जनता ने यह तय कर लिया है कि जीत VIP की होगी। उन्होंने कहा कि हमारे साथ युवाओं का सबसे अधिक समर्थन है। महागठबंधन और NDA दोनों हमें हराने के लिए उतरी हैं और ये तय है कि VIP दोनों को हराएगी। मुकेश सहनी ने आगे कहा कि जिस तरह से VIP कुंडनी में कैंपेन कर रही है, उस तरह से कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं कर रही है। अगर कोई पार्टी इस तरह से कैंपेन कर रही है तो उसका वीडियो हमें लाकर दिखाएं, और अगर सही साबित होता है तो हम उसे 50 लाख रुपए देंगे। मुकेश सहनी ने आगे कहा कि हमारा गठबंधन बिहार की जनता से है। VIP से प्रत्याशी पढ़े लिखे एक युवा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनता ने यह तय कर लिया है कि जीत VIP की होगी। उन्होंने कहा कि हमारे साथ युवाओं का सबसे अधिक समर्थन है। महागठबंधन और NDA दोनों हमें हराने के लिए उतरी है और ये तय है कि VIP दोनों को हराएगी। कुंडनी में उपचुनाव की बात करें तो इस उपचुनाव में कुल 21 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। चुनाव अधिकारी ने जांच के दौरान 8 उम्मीदवारों का नामांकन खारिज कर दिया, जिसके बाद कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं इस सीट के लिए मतदान 5 दिसंबर को होना है। वहीं मतों की गणना 8 दिसंबर को होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।